नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, जहां देश एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पे स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर एक गांव, जिस गांव का नाम ग्राम पंचायत बेसा, यहां के लोग कचरे से इतने ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं कि अपनी परेशानी बता बता के लोगों को थक चुके हैं, अधिकारियों को थक चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। ग्राम पंचायत बेसा ये आखिरी महीना है जो ग्राम पंचायत के तौर पे सरपंच वहाँ उपस्थित है, इसके बाद ये नगर परिषद चुनाव होने जा रहा है। ग्राम पंचायत से नगर परिषद तक के सफ़र तय कर चुके ग्राम पंचायत बेसा, लेकिन इस तरक्की के साथ यहाँ के कचरे की समस्या ज्यों की त्यों हैं, लोगों की परेशानियां ज्यों की त्यों हैं। एक नाली है, नाली के बाजू में यहाँ की पुराना मोक्षधाम हुआ करता था, यहाँ कचरे का एक डंपिंग यार्ड है। नाली के एक तरफ ग्राम पंचायत बेसा और नाली के दूसरे तरफ नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्षेत्र। इस कचरे की वजह से न सिर्फ ग्राम पंचायत बल्कि आसपास के गांव भी और नाली के दूसरे साइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्षेत्र, वहां के लोग भी इसकी वजह से त्रस्त हैं और प्रभावित हैं, जिसको लेकर के हमने वहां के सरपंच सुरेंद्र बनाइत जी से फोन पे बातचीत की। वो क्या कहते हैं वो सुनाते हैं। पंचायत के हद में आता है बेसा में, ग्राम पंचायत में आता है वो कचरा, वहाँ पे कौन डंप करते हैं? ग्राम पंचायत वो जो कचरे हैं पूरे गांव के सिर्फ कचरे हैं बेसा की कि आसपास हैं और बेसा रोड। ओके सर, ये इस कचरे को जो जलाया जाता है उसके लिए जलाए, हम जलाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे जलने की भी एक फुटेज बलते से कभी भी जल गया होगा, तो हम वो फायर ब्रिगेड लगाते, कोई उपद्रवी लोग आके करते होंगे, रामपेट में जलते। इसका आप लोग रिसाइकल के लिए कोई प्रोसेस नहीं करते हैं कचरे? हमने दिया है उसको प्रोसेस के लिए, हमारे जिला परिषद को दिया है, कॉर्पोरेशन को दिया है, हमको कचरा डालने के लिए डंपिंग यार्ड दीजिए करके। जी, जिला परिषद की तरफ से रुका है क्या? हाँ, जिला परिषद को भी दिया है हमने, कॉर्पोरेशन को भी दिया है, एमएलए को दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो उसके लिए अभी आप लोग क्या कर रहे हैं सोल्यूशन के लिए सर? अभी तो नगर पंचायत हो गई। अच्छा, तो अभी आप सरपंच पद पे हैं या फिर अभी नहीं? अभी लास्ट हो गया, आखिरी महीना है हमारा, ये आखिरी महीना है। तो सर, इसके लिए कोई अभी प्रावधान आपने सरपंच रहते हुए दिया? मैंने दिया है, कॉर्पोरेशन को दिया, केंद्र सरकार को दिया। अभी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है आपका कहने का मतलब? सर, बेसा मजदूरी नहीं, पिपला घुगली हो गया, ये गांव बड़े हो गए जी, लेकिन इनको डंपिंग यार्ड नहीं दिए गए। अच्छा, इसकी वजह से नाला के जो दूसरे साइड है वो एनएमसी का एरिया आता है क्या? उधर एनएमसी का एरिया, तो उधर के लोग भी इफेक्टेड होते हैं उसकी वजह से, कचरे की वजह से उधर के लोग को भी तकलीफ होती है? तकलीफ हमको भी है, उनको भी है, उनको भी है, लेकिन अभी तक इस पे कोई सोल्यूशन नहीं निकला, सरकार ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। एक तरफ गाय जो कि लंपी बीमारी से बुरी तरह त्रस्त है और सैकड़ों हजारों और लाखों की संख्या में मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इसी कचरे यार्ड पे गाय बैठी हुई है और कचरा डंपिंग जेसीबी द्वारा उसे हटाया जा रहा है, उसे जमा किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पे बार बार इसे किसी भी तरीके से इसे जला दिया जाता है, जो कि जिसकी वजह से प्रदूषण चरम सीमा पे होती है और लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में रहने वाले लोग जब इसकी जानकारी राधाकृष्णन भी, जो कि एनएमसी के कमिश्नर है, उनको दिया, तो उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो क्षेत्र है वो एनएमसी के क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं आता है, ये ग्राम पंचायत बेसा के क्षेत्र में आता है, तो वहाँ के जुडिशियल से संपर्क करने की बात उन्होंने कही। यानी कि ये उसको बताते हैं, वो उसको बताते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होगा या नहीं एक बड़ा विषय है। इसको लेकर के हम आने वाले समय में कामटी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए टेकचंद सावरकर जी से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र उनके ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। फिलहाल आप देखते रहें एनबीसी न्यूज अपने दोस्त वीर सिंह के साथ।